इसका मफहूम ये अल्लाह कहते हैं जमीन पे कोई दाब ऐसा नहीं जिसका रिज़्क मेरे जिम्मे ना हो, क्योंकि हम सबको वहम है। और मैं अपनी कीती खा नहीं भाई, कीती नहीं तू खा रहे है, ए कीती बार नहीं इतने अल्लाह दी अता ही खा रहे हैं, ये बाकी बहाना ही है। अच्छा आप क्या समझते हैं कि अगर मैं दुकान नहीं खोलूंगा तो अल्लाह रिज़्क नहीं दे सकता है? आप क्या समझते हैं अगर मैं नौकरी पे नहीं जाऊंगा? नहीं है, ये रंग है अल्लाह की। तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ने खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमल। ये इम्तिहान है हजरत जी, किसी को अल्लाह दुकानदार बना के आजमा रहा है, किसी को अल्लाह का हक बना के आजमा रहा है, हम सब की आजमाइश है। कोई ना समझे कि हम सारे ही अल्लाह के मामलों में से बाहर निकल गए, ना ना। एक दिन लिखा है रिवायत में, हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह मैं तेरे रंग देखना चाहता हूं, मुझे अपने रंग दिखा, अपना घोड़ा जो है ना वो दरख्त के साथ बांधा, अपने कपड़े उतारे, अपनी तलवार उतारी, अंदर पैसों वाली थैली कपड़ों के नीचे उसने घास में रखी और दरिया में नहाने के लिए उतर गया। नहा के वापस आया, कपड़े पहने, तलवार पकड़ी, घोड़ा लिया, चला गया, पैसों की थैली नहीं लेके जा। दूसरा बंदा आया, पहले की तरह वो भी नहाया, लेकिन जब उसने अपनी पोशाक उठाई ना तो उसको नीचे कोई चीज महसूस हुई, उसने उठाया तो देखा पैसों की थैली निकल आई, उसने पैसे उठाए, चला। फिर तीसरा बंदा आया, वो भी पहले और दूसरे की तरह नहाने के लिए उतर गया, वहां अपना घोड़ा उसने दरख्त से बांधा। उतनी देर में पहला बंदा वापस आ गया, उतनी देर में तीसरा नहा के बाहर आ चुका था, कपड़े पहन के ना घोड़े पे बैठने को तैयार खड़ा था। अब जो पहला वापस आया ना, उसको नहीं पता कि दूसरा बंदा दरमियान में होके चला गया हुआ। उसने कहा यही है, उसने कहा मुझे मेरी थैली, उसने कहा भी मुझे नहीं पता, और वाकई तो थैली का नहीं पता था, थैली तो दूसरा बंदा उठा के ले जा चुका था। वो आपस में बात बड़ी, तलवारें निकल आई, लड़ाई हुई, जो पहला बंदा था ना उसने तीसरे बंदे को कत्ल कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सब कुछ देखा और कोई दूर पे वापस आ गया। अल्लाह पाक ने फरमाया कलीम क्या देखी, जो देखा था अर्ज कर दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया कलीम क्या तू जानता है इस जो पहला बंदा आया था वो कौन है और दूसरा कौन है और तीसरा कौन है? अर्ज की नहीं अल्लाह तू बेहतर जानता है। अल्लाह पाक ने फरमाया जो पहला बंदा आया था ना जो अपने पैसों की थैली भूल के वहां चला गया, और फिर जो दूसरा बंदा आया वो दूसरा बंदा पहले के बाप का मुलाजिम था, और पहले बंदे के बाप ने उस दूसरे के उतने पैसे मारे थे जितने थैली में थे, मैंने बेटे के हाथों दिला दिए उसको वापस। अच्छा और वो तीसरा बंदा, और जो तीसरा बंदा आया था वो पहले बंदे के बाप का कातिल था, मैंने बेटे के हाथों से उसको मरवा के उसका मामला बराबर करा दिया। वो ये नहीं समझी हजरत, नहीं वो इसको चला रहा है हजरत, और उसको बड़ा जबरदस्त चला रहा है। कोई ये ना समझे कि मैं इस तरह कर रहा हूं तो, और नहीं हजरत ये रंग है मालिक के, जे चाहे तेरा जाने तख्त अता फरमाए, जे चाहे ते शाह को दर दर खैर मंगाए। हाँ भाई फला अल्लाह के जिक्र में, फला अल्लाह के जिक्र में, फला हुजूर नबी अलैहि सलाम पे दुरूद पढ़ने में, ये जिन कामों में हमने फला ढूंढ ली है, यहाँ कहाँ फला है? फला ये अजरे जी, ये जो हम जो ऊपर बैठे हैं हमें क्या लगा हुआ जिक्र की तो बरकत, इससे बढ़िया बाप को क्या दलील दे? जैसे आपकी माँ ने आपको जाना, हमारी माँ ने भी हमें, हम भी एक बाप की औलाद है। जो मामला आप तय करके हैं हमने भी उसी तरह तय किया है, हमने को बकरी की गायें तो नहीं खाई है, लेकिन क्या है ये सारे जिक्र के रंग हैं, ये सारी जिक्र की बरकत है, सारी वो पंजाबी कहते हैं ना तेरा नहीं तेरे सवार दमू मारदा है, ये सारी उनके नाम की बरकत है, हमारा कुछ भी नहीं है। अगर आज हम में से ये उतार दो तो फिर सुलेमान को कोई भी सोफे देना पाए, आपने मुझे नहीं बिठाया, ये उनके नाम की बरकत है, ये उनके नाम। और मेरे बुजुर्ग फरमाया करते थे हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं,
अगर हम बावफा होते तो क्या होते हैं? और फिर ये तो हुआ ही नहीं, कुछ पूछा हो तो उसका जवाब ना आया हो, फिर जवाब क्या आया? और दिल तो क्या चीज है, हम रूहों में उतरे होते हैं। दिल तो क्या चीज है, हम रूहों में उतरे होते। तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह, तुझे तूने चाहे नहीं है कोई भी है। और इकबाल ने भी इसको बयान किया, इकबाल कहते हैं, हाँ हमसे कब प्यार है, नींद तुम्हें प्यारी है, तू कभी सर की साढ़े लूठे ही नहीं है कोई भी। हाँ हमसे कब प्यार है, नींद तुम्हें प्यारी है, नहीं 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 कर दे दिया ना कुछ कर छड़े है, वो करांगे तो की करेगा है। और मैं इससे पहले भी जो चकवाल में बया, मैंने कहा यही करेगा, अगर तुम्हें बेनियादियां दे देगा, थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पर, बिस्तर लगा हो आका जिनका तेरी गली में हजरत है, बेनियाजियां दे देगा हजरत तुम्हें, बेनियाज कर देगा तुम्हें लोगों से, बेनियाजियां बादशाही, और सबसे बड़ी बादशाही भी बेनियाजी है। हाँ मैं ये कुछ हजरत जी, आप इसका ढेर भी लगा लेना तो ये कैसी ऐसी चीज है, इसकी भूख खत्म नहीं होती कोई भी। ये कैसी चीज है, ढेर भी लग जाए ना, ये है इसकी भूख खत्म नहीं होती, जिसको अल्लाह बेनियाजियां अता कर दे। और बकायदा मौलाना रूम ने हजरत इसको हिकायत किया, और फरमाते कोई बुजुर्ग गुजर रहे थे तो एक बच्चा रो रहा था, और बुजुर्ग तो होते ही दिल के नरम है ना, जो दिल का नरम ही नहीं है बुजुर्ग किस चीज का हुआ। वो आप आ गए, आपने वो बच्चे को रोते देखा, आगे प्यार करके पूछा भी क्यों रोने, उन्हें कहा जी मैं खेड डे आया, खेड दिया खेड दिया मेरा एक रुपये डिग पे, तो एक रुपये डिग डिगन दे गांव में मैं रोन दिया। आपने फिर मैं जी मैं रुपया कोलू दे दिया तो खुश हो जाएगा, उन्हें कहा भाई इशू ही एक रुपये आए फिर तो खुश हो जाएंगे। उन्होंने क्या किया, हजरत उन्होंने अपनी जेब में से निकाल के ना एक रुपया दे दिया, खुश हो गए। आप भी बड़े खुश हुए कि चलो जी मैंने किसी को खुश कर दिया, क्योंकि बहुत बड़ी नेकी है किसी को खुश करना। वो आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ ले गए, जब नमाज पढ़ के वापस आए ना तो बैठा फिर रो रहा था। आपने फरमाया भाई हूं क्यों रोन दे, तेन पूछा सी तू क्या जी खेड़ दे रुपया गुआच गए, मैं कह जी कोलू दे दिया तू ठीक हो जाएगा, उन्हें कह जी इशू रुपया है, रुपया लाभ दे, गल खत्म, मैंने रुपया दे दिया, आप क्यों रो रहे? कहता इसलिए रो रहा हूं वो जो गुम हो गया, अगर वो भी होता तो दो होने थे। हैं ये नहीं खत्म होती है। या पूरा चकवाल खरीद ले फिर आपका दिल करेगा कि तलाका नहीं करी। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपको क्या आपके हुक्मरान आपके सामने नहीं है, थोड़े पैसे नहीं देते ना, उन्हें चाहिए जाओ जित कि जाके अरम चुको मुसल्ला खरीद के ना, जो को थोड़े सार रह गए को दो हजार ना करो, लेकिन नहीं भुख मुख दी देते। बाज फकीरा किसे ना मारिया जालिम चोर दर्द, ये भुख तला कम खरीद लोगे फिर दिल करना है जनाब अगे नु डर वही है। अच्छा उन्होंने कहा अच्छा चल फिर दो कर, उन्होंने कहा जी दो कर। आपने कोर निकाल के दिए दो, अब तो खुश है ना जी, वो चले गए। आपको पता सर्दियों में सर के बाद ही मगरिब है, वो जब दोबारा मगरिब पढ़ने के आली आए तो मस्जिद के बाहर बैठा फिर रो रहा था। आपने फिर मैं आप क्यों रो रहे हैं, वो कहता इसलिए रो रहा हूं जेड़ा गुआच गया जो ही हुंदा ते तीन होने सा हैं। आपने फरमाया अच्छा तो तीन कर दिए तो उन ते खुश हो जाएगा ना, उन्होंने कहा जी उन बस ठीक, आपने तीन कर दिए वो नमाज पढ़ के बाहर निकले तो फिर रो रहा था। फरमाया हूं कहां रोन दे, कहता जो ही हुंदा ते चार होने वहां। फिर आपने एक आ भर के कहा, आपने फरमाया महबूब अलैहि सलाम ने सच ही कहा था, इसको कब्र की मट्टी के अलावा कोई भी नहीं भर सकता। किथे भरया गया, इसलिए हजरत जी हाथ जोड़ के जैन भरना तुर पई, बस अपनी अल्लाह की बारगाह में दुआ करो ना जुड़े ना थोड़े ते काम पे अटुरे, ना जुड़े ना थोड़े ते काम पे अटुरे, ना जुड़े ना थोड़े ते काम पे अटुरे। ऐस पैंटे ना पै जाइए, और मैं तकरीबन देखना असि ऐस पैंटे पै गए सारिया लड़ाई।